दोस्तों फिल्मी फ्राइडे पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो में हम साल 1988 में प्रसारित होने वाले बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत से जुड़ी 15 ऐसी अनसुनी और रोचक बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीआर चोपड़ा की महाभारत का प्रसारण 2 अक्टूबर 1988 से दूरदर्शन चैनल पर शुरू हुआ था। ये सीरियल करीब 1 साल 9 महीने तक चला था। इस सीरियल का आखिरी प्रसारण 24 जून 1990 में हुआ था। इस सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार मुकेश खन्ना जी ने निभाया था, साथ ही श्री कृष्ण के रोल में नीतीश भारद्वाज, अर्जुन के किरदार में फिरोज खान, युधिष्ठिर के किरदार में गजेंद्र चौहान, द्रौपदी के रोल में रूपा गांगुली, दुर्योधन के किरदार में पुनीत इस्सर और कर्ण के किरदार में पंकज धीर नजर आए थे। महाभारत का डायरेक्शन बीआर चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा ने मिलकर किया था, साथ ही बीआर चोपड़ा ने ही इस सीरियल को प्रोड्यूस भी किया था। महाभारत का म्यूजिक राज कमल ने कंपोज किया था। दोस्तों मार्च 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन चला, जिसके चलते रामानंद सागर की रामायण की तरह महाभारत का प्रसारण भी फिर से डीडी भारती पर शुरू किया गया। दोस्तों रामायण की तरह महाभारत भी देश भर में काफी पॉपुलर हुई थी। आंकड़ों के हिसाब से उस दौरान भारत के करीब 52% टीवी पर सिर्फ और सिर्फ महाभारत ही देखी जाती थी। मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म का रोल किया था, लेकिन असलियत में उन्हें सबसे पहले दुर्योधन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मुकेश खन्ना नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य का किरदार चुन लिया। द्रोणाचार्य की कॉस्ट्यूम पहनने के बाद जैसे ही पहली बार बीआर चोपड़ा ने मुकेश खन्ना को देखा तो उन्होंने देखते ही कहा, ये हमारा भीष्म है। इसके बाद उन्होंने मुकेश खन्ना को भीष्म का रोल दे दिया। महाभारत में द्रौपदी का रोल रूपा गांगुली ने निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले यह रोल बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को दिया गया था, लेकिन इस दौरान जूही ने आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक साइन कर ली थी, जिसके बाद उन्हें महाभारत छोड़नी पड़ी। टीवी सीरियल महाभारत के सुपरहिट होने के बाद अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। इसी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए अपना नाम बदलकर अर्जुन ही कर लिया। दोस्तों महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल को सबसे पहले इस सीरियल का कास्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने खुद को ही शकुनी के किरदार के लिए चुन लिया। इतना ही नहीं, गूफी और फिरोज खान काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने ही फिरोज को अर्जुन का रोल करने की सलाह दी थी। गैज महाभारत में नकुल और सहदेव का किरदार निभाने वाले समीर चित्रे और संजीव चित्रे रियल लाइफ में भी सगे भाई हैं। शूटिंग करते समय कर्ण की भूमिका निभाने वाले पंकज धीर का रथ टूट गया था, जिसकी वजह से घोड़े भी निकलकर भाग गए थे। इस दौरान उन्हें काफी चोट आई थी। इतना ही नहीं, एक तीर भी उनकी आंख के पास आकर लगा था, जिसके बाद उनकी सर्जरी करवानी पड़ी थी। महाभारत में श्री कृष्ण का रोल करने वाले नीतीश भारद्वाज सबसे पहले विदुर का रोल निभाने वाले थे, लेकिन बाद में इनकी जगह वीरेंद्र राजदान को ले लिया गया और नीतीश को श्री कृष्ण के रोल के लिए चुन लिया गया। दोस्तों प्रवीण कुमार ने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। आपको बता दें प्रवीण रियल लाइफ में एथलीट रह चुके हैं। इन्होंने ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लिया था, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। इसके बाद इन्होंने महाभारत की कास्टिंग के लिए एक विज्ञापन अखबार में देखा था, तभी इन्होंने भीम के रोल के लिए आवेदन किया था। महाभारत में दुर्योधन का रोल मिलने से पहले पुनीत इस्सर के पास ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म कुली के एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी, जिसके बाद काफी लोगों ने इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार पुनीत को मान लिया था। यही वजह थी कि कई सालों तक पुनीत को अच्छे रोल नहीं मिल पाए, लेकिन साल 1988 में महाभारत में दुर्योधन का रोल मिलने के बाद इनका स्टारडम वापस आ गया। दोस्तों महाभारत में भीष्म पितामह के रोल के बाद मुकेश खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। भीष्म का रोल फेमस होने के बाद मुकेश खन्ना ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने भीष्म इंटरनेशनल रखा। इस कंपनी के तहत मुकेश खन्ना ने टीवी सीरियल शक्तिमान का निर्माण किया, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। रामानंद सागर की रामायण की तरह महाभारत के प्रसारण के समय भी देश की गलियां और सड़कें खाली हो जाती थीं। सभी लोग अपने सभी काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने कई बार ये खुलासा किया है कि इस सीरियल के बाद रियल लाइफ में भी लोग उनकी बहुत इज्जत करने लग गए थे। कई बार लोग उनके पैर भी छूने लग जाते थे।
दोस्तों बी आर चोपड़ा की महाभारत में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।